आज आपके जरिए से मेहमान मजलिस से और तमाम ही मुसलमानों से और तमाम ही उन लोगों से, मेरी माओ बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरे से जो कुछ भी हुआ मैंने सदर साहब के खिलाफ में बोला, तो आज मैं उनसे तहे दिल से माफी चाह रहा हूँ, मुझे माफ करें और इंशाअल्लाह ताला फिर से एक बार काम करके अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फिर से मैं अपने खायदीन का दिल लूंगा। मोइन भाई, ये पार्टी जो आप ज्वाइन की है, आप तो विधानसभा के हद तक है या आगे भी रहेंगी? नहीं, पहले बताया मुझे, मैं तो रहने के लिए आया नहीं, कोई पोस्ट है ना पोस्ट के लिए आया। बाजाबता तौर पर जावेद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातों को जावेद साहब के सामने पहले ही रखा, ना मुझे पोस्ट चाहिए, ना मैं टिकट के लिए आया हूँ, ना कुछ। एक अदना रुकन बन के कार्यकर्ता मराठी में इसको बोलेंगे, कार्यकर्ता एक रुकन की हैसियत से आया हूँ और ताकत और बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी जमात को। कोई गुड बात, पिछले साल दक्षिण से आप लड़े थे तो कांग्रेस से अच्छे वोट आपको मिले थे, तो फिर ये बात लड़े तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बार बार उसी पे बोलता चलूंगा तो वही बात आएंगे। अच्छा, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जितवाने के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह जितवाऊंगा। ठीक है जावेद साहब, जावेद साहब आपने आपने कहा आपने उम्मीदवार जो घोषित किए, अभी जो उम्मीदवार साहब तो ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, जो भी सदर मजलिस का जावेद साहब की हिदायत पे जो भी फैसला होगा वो कोई भी हो इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसका साथ देंगे। कौन था उम्मीदवार? उम्मीदवार कौन है? देखिए फिर वही बात आ गया था कि शुरू में मैं कहा आप तमाम को सुनिए, आपको टिकट नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई, मैं सच्चे दिल से आया हुआ हूँ। ठीक है जावेद साहब, दो शख्स कौन है? नहीं आया। दक्षिण के उत्सुक कौन है जावेद साहब? नाम दक्षिण से उम्मीदवार कौन है आपका? ठीक है, आप अगर से कांग्रेस यहाँ पे एडवोकेट अर्शद साहब है जिस एक बात है मोइन साहब, आप अगर कांग्रेस मुस्लिम